शर्म मिट चुका है, आपका आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज बिहार विधानमंडल में दिया गया भाषण नीतीश सरकार का लिखा हुआ भाषण था और राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण ही सदन में पढ़ा है। ये बातें लालू के छोटे लाल और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सामने कही। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने सरकार के द्वारा दिए गए अभिभाषण को पढ़ा जो पूरी तरह झूठ था। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मृत्यु हुई, हमने उनके लिए सदन में मौन रखने की मांग की, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को नहीं माना। सदन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार जो है किसानों के प्रति कितनी सौहार्दपूर्ण है। उन्होंने ये भी इतना कह दिया कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा मर चुकी है और बंगाल की खाड़ी में डूब गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकार वार्ता में तेजस्वी यादव, आपको सुनाते हैं। सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे, जिनको तो ज्ञान नहीं। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, पार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय कर दी जाए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे, उनका शर्म मिट चुका है, आपका आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की। कार दिया गया, यानी ये साबित करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। बिहार में राज्यपाल ने अभिभाषण में बोला कि धान की खरीद हो रही है, लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। जो 1800 रुपये मूल्य जो होना चाहिए, जो MSP जो होना चाहिए, वो किसानों को उस रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते दामों पर, आधे दामों पर, कहीं 700-800 रुपए में धान की खरीद हो रही है, पार करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय कर दी जाए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे, उनका शर्म मिट चुका है, आपका आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को नीतीश पर सीधा हमला, और उस हमले में राज्यपाल को उन्होंने निश्चित ही इतना आगाह किया कि राज्यपाल ने जो है वो सरकार के द्वारा लिखित भाषण को ही पढ़ा है, किसानों के ऊपर कुछ भी नहीं, जो हमने मांग की थी उस पर भी नीतीश कुमार नहीं चेते। अब देखना है कि क्या जदयू के तरफ से कुछ जवाब आता है या नहीं, क्योंकि जदयू विधायक मंडल की बैठक अभी जदयू के कार्यालय में चल रही है, निश्चित ही कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।